खट्टी ढकार आना और अनाज अन्न नलिका से ऊपर ऊपर आना, ऐसा एहसास हो जाना बार 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 बार, और सब ऐसा पानी ऊपर आना, अनाज ऊपर आना, और इससे बहुत तकलीफ होना, इसके बारे में आज बातचीत करते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ, महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। हमारे यहाँ दो हॉस्पिटल है जिसमें हम लोगों को रिश्तेदारों के साथ में रिश्तेदारों के अलावा ऐसा भर्ती करते हैं, और सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य और व्यसन मुक्त भारत ही हमारा संकल्प है। एक व्यक्ति मेरे पास में है जो बोल रहा था कि भाई मुझे ऐसा अनाज ऊपर ऊपर आता है, बहुत ऊपर ऊपर ऐसा लगता है कि अन्न नलिका से अनाज ऊपर आ रहा है, मतलब ऐसा छाती में आ जाएगा, गले में आ जाएगा, और बहुत एसिडिटी हो जाती है, बहुत जलन हो जाती है, ढकार भी काफी आती है, खाना खाने की तो बिल्कुल इच्छा होती नहीं, खाना ही नहीं खाता, और जबरदस्ती फिर मतलब भूख लग रही है, मेरे खाने की इच्छा नहीं है, तो फिर जबरदस्ती खाने के लिए बैठो, फिर मैं खाना खाने को आधा घंटा पौन घंटा एक घंटा लगाता हूँ, धीरे 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 खाऊंगा, वो पछता कि नहीं देखूंगा, और फिर बाद में खाऊंगा, अच्छा उसकी सब नजर कहाँ है कि मेरे को पच रहा कि नहीं पच रहा, मुझे ढकार आ रही क्या, अन्न जो है अन्न नलिका से अन्न जो है वो बाहर ऊपर ऊपर आ रहा है, बाहर आ रहा है क्या, फिर उसको पेट दर्द भी हो रहा है, लेटरिन साफ नहीं बिल्कुल हो रही, कभी एक दो दिन नहीं जाएगा, कभी तीन चार दिन, एक दिन में तीन चार बार लेटरिन हो जाएगी, पेट दर्द है, पूरा डिस्टेंशन है एब्डोमेन का, है ना, पेट ऐसा फूल गया है, टकार आ रही है, और खाने की बिल्कुल इच्छा नहीं है, कम से कम 15-16 किलो वजन उसका कम हो गया पिछले 6 महीने में। इन्वेस्टिगेशन पूरे किए, कुछ भी एबनॉर्मलिटी दिखी नहीं, सब इन्वेस्टिगेशन पूरे हो गए, संबंधित जो है पेट के पूरे क्लियर। फिर डॉक्टर क्या करते हैं, उनको बोलते कि नहीं अभी आपका विटामिन डी कम है, आपका B12 कम है, और इसलिए ऐसा हो रहा है, फिर उसके इंजेक्शन चालू कर देते लोग, क्योंकि लोग ही आजकल नेट पे जाते हैं और देखते हैं कि विटामिन D3 कम है तो फिर क्या, विटामिन B12 कम है तो ऐसा हो सकता क्या, और फिर वो चालू इंजेक्शन, तो वो भी हो गया, कुछ फायदा नहीं उसको, मैंने बोला ठीक है भाई चलो देखते हैं, आप हमारे यहाँ एडमिट हो जाओ, उसको हमने हॉस्पिटलाइज किया। मतलब हम देखते भी तुम खाना कैसा खाते हो, एक्चुअली करते क्या हो, अनाज कैसा बाहर आता है, अन्न कैसा बाहर आ जाता है, ढकार कैसे आती है, मेरे को देखने दो। जब उसको मैंने मतलब कि भाई आप दवाई भी लो और मैं आपको साइकोथेरेपी भी करता हूँ, हिप्नोथेरेपी करूँगा और आपको अच्छा करूँगा, बोले ठीक है कर दो। फिर उसको हम क्या करते हैं कि एक उसको एक एवर्शन बैठने के लिए, क्योंकि उसको एक हैबिट जैसी हो गई थी, तो उसको एवर्शन ट्रीटमेंट की जरूरत है ऐसा मुझे लगा। मैंने क्या किया, उसको राइल्स ट्यूब डाल दिया नाक में से अंदर, और मैंने बोला ये 3 घंटे राइस ट्यूब रहेंगी, और देखते भी कौन सा अनाज बाहर आता है, जो आएंगे ना अनाज वो अपन वो राइस ट्यूब से बाहर आएंगे, देखेंगे कितना कितना आता है तो, और कैसा कैसा आएगा, तो ऐसा उसको एक समझ दे दिया, उसको सच्ची लगा कि अनाज अभी ट्यूब से आएगा, मतलब ये ट्यूब डाल के रखा हुआ है मैंने। उसको मेडिसिन भी दिया, एंग्जियोलाइटिक एंटी डिप्रेसेंट्स, फिर मतलब एसिडिटी की जो दवाइयाँ हैं वो दे दिया, IBS के लिए हम जो दवाई देते, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम वो दिया, ढकार जो आ रही थी उसके लिए दवाई दिया, ऐसे अलग अलग 2-4 प्रकार की दवाई दे के उसको रिलैक्स करवाया पहले। मतलब अभी कुछ नहीं होगा, आप देखो आप कैसा लग रहा है, तो ठीक है बोले देखते हैं। 2 दिन तक मतलब ये 3-3 घंटा ट्यूब में रखा और उसके बाद में खाना खिलाता रहा, 2 दिन में पूरा क्लियर, ना अनाज बाहर आ रहा है, ना ढकार आ रही है, ना उसको कुछ पेट फूल रहा है, सब एकदम पूरा क्लियर हो गया। मतलब ये कैसे जादू हो गई, क्या हो गया पता नहीं, बोले क्या हो गया, मगर मैं ठीक तो हो गया 2 दिन में। बोले 6 महीने की साल भर की बीमारी जो चालू हो गई थी वो 2 दिन में ठीक हो गई, मतलब बताइए भाई। फिर जब वो खोद काम करते गए, जो हम उसको बोलते खोद काम करना, डिगिंग करना, तो पता चला कि उसके वातावरण में प्रॉब्लम है, वातावरण में घर में झंझट झगड़े हैं, डिविजन हो रही है प्रॉपर्टी की, उसको लगता है कि अपन छोटे हैं तो अपने को हिस्सा कम मिल रहा है, बड़े भाई को ज़्यादा मिल रहा है, उसने अपने नाम से ज़्यादा प्रॉपर्टी कर लिया है, फिर मेरा क्या होगा। उसकी बीवी जो है ये इसको टोच रही है कि भाई अपने को कम मिल रहा है करके, जो मिलना चाहिए उतना नहीं मिल रहा है, उसके पीछे वो लगी हुई है, ऐसा वो मतलब पूरा साल भर से बिल्कुल ऐसा उलझन बहुत पड़ी हुई है, और फिर टेंशन है, और फिर उसके वजह से फिर ये प्रॉब्लम चालू हुए। तो उसको बोला ठीक है भैया, अभी जो है वो है, आप पहले कागज़ के ऊपर निकालो पूरा लिख के कि भाई कितनी प्रॉपर्टी है, कितना आपको मिलने वाला है, बड़े भाई को कितना है, सब दिमाग में मत रखो। तो उसको मैंने ये 2 दिन में, उसको जब मैंने 2 दिन के बाद में जब बैठे उसके साथ में, तो मतलब भाई आप वातावरण से दूर हो गए, रिलैक्स हो गए, यहाँ अच्छा है तो आप ठीक हो गए, मगर वातावरण में तो आपको वहीं जाना है, तभी वहाँ कैसे रहोगे आप, लिखो सब कि वहाँ कौन से मतलब क्या ऐसा हो रहा है वहाँ कि आपको टेंशन आ रहा है, कौन सी प्रॉब्लम है वहाँ से आपको टेंशन। उसने लिख लिया कितनी प्रॉपर्टी है, कितना इसको हिस्सा मिलेगा। जब कागज़ के ऊपर लिखा तो फिर उसको अंदाज आ गया कि बहुत ज़्यादा कोई नुकसान हो नहीं रहा है, हो सकता है कि 2-4 लाख रुपए का फर्क इधर उधर होगा, कम मिलता होगा वह ज़्यादा भी मिलता होगा, मतलब फिर क्यों चिंता कर रहे हो।
क्या होता है कि औरतों को जो है ना, सबकी माफी चाहता हूं मैं, मगर जो हाउसवाइफ है ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है स्पेशली, तो वो अपने हस्बैंड के पीछे लगा देती है कि अपने को कम मिल रहा है, ऐसा बहुत जगह देखा है मैंने। और फिर वो भी उनका दिमाग खराब हो जाता है, और पैसे की पहले ही ऐसा रहता है कि नहीं नहीं अपने को कम मिलने वाला, दिमाग में ऐसा लिसनिंग रहता है और फिर उसमें टेंशन आना चालू हो जाता है। तो ये सब ठीक हो सकता है जब आप कोई भी चीज, कुछ भी चीजों में आप उलझन में हैं, समझ में नहीं आ रहा है क्या करो, सीधा कागज पेन लो, लिख के रखो पूरा प्रोज एंड कॉन्स, पेपर पे जब उतारेंगे दिमाग का सब लोड, दिमाग का सब टेंशन, आपको वस्तुस्थिति जो है वो मालूम पड़ेगी कि एक्चुअली वस्तुस्थिति क्या है, स्थिति क्या है, और फिर परिस्थिति क्या है, वस्तुस्थिति क्या है, मनस्थिति अपनी क्यों ऐसी बिगड़ रही है, सो ये मालूम हो गया तो उलझन जो है वो कम करने में सहायता होगी। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर शेयर करो, आप हमारे पार्टनर बनो सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य और व्यसनमुक्त भारत के लिए। थैंक यू वेरी मच।